अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बंगाल के चुनावी संग्राम में बीजेपी बनाम टीएमसी, आज कोलकाता में ममता करेंगी मार्च। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री यूपी में, बढ़ते महिला अपराध को लेकर बोलेंगे हमला, बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी। कल कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से पीएम मोदी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, कहा दीदी ने कहा खेला होबे लेकिन खेला खत्म हो चुका है। मोदी ने दोहराया सोनार बांग्ला बनाने का संकल्प, कहा बंगाल से जो छीना गया वो वापस लौट आएंगे। सीएम ममता के हावड़ा में स्कूटी चलाने पर मोदी का तंज, बोले आपकी स्कूटी अब नंदीग्राम में ही गिरेगी। ममता ने पीएम मोदी के बदलाव के दावे का किया खंडन, कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। ममता ने प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला, कहा अगर जीती बीजेपी तो बंगाल को मोदी कर देंगे बंटवारा। पीएम मोदी के मंच पर बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, बोले मैं राजनीति नहीं जानता, मुझे मनुष्य नीति में यकीन। आज सबसे खास बातचीत में चुनाव लड़ने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, जो पार्टी का फैसला होगा वो मानिए। बीजेपी में शामिल होने पर टीएमसी बोली वो आज स्टार नहीं, कई बार बदली पार्टी। पुरुलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जयपुर सीट से पार्टी उम्मीदवार को मौका देने की मांग। बांकुड़ा में तेज हुआ चुनाव प्रचार, टीएमसी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने पूजा पाठ के साथ अभियान का किया आगाज। गुवाहाटी में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, टिकट बंटवारे को लेकर झड़प। गुवाहाटी में टिकट कटने से नाराज बीजेपी के मंत्री, सुमरुंगधांग की छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुआ शामिल। असम में चुनावी जोर, एजेपी ने 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, एआईयूडीएफ की 8 उम्मीदवारों की पहली सूची। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस दोनों सदनों में ला सकती है स्थगन प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में शून्यकाल का दिया नोटिस, दादरा और नगर हवेली के सांसद के कथित सुसाइड की जांच की मांग। मेरठ के किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी, कहा नए कृषि कानूनों से बर्बाद हो जाएंगे किसान। किसान महापंचायत में प्रियंका ने मोदी सरकार को बताया संवेदनहीन, बोली पाकिस्तान जा सकते हैं पीएम लेकिन किसानों से मिलने का वक्त नहीं। प्रियंका के आरोपों को यूपी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया बेबुनियाद, कहा गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश। मेरठ में अंगीठी के सामने 7 फेरे लेते अंतर्राज्यीय विवाह करने पर बवाल, एक संगठन ने जताया विरोध। कानपुर देहात में 3 दिन से लापता सहायक होमगार्ड कमांडेंट की लाश मिली, घरवालों ने 2 लोगों पर जताया हत्या का शक। अलवर में रेप का आरोपी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पीड़ित महिला को उसके पति से विवाद निपटारा करवाने का दिया था झांसा। अकोला में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, मारपीट में 4 जख्मी। बैतूल में कांग्रेस विधायक को गोली मारने की धमकी, फोन करने वाले युवक की तलाश जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।